दोस्तों, आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे, जिसका नाम है ऑनलाइन सेवा। दोस्तों, लास्ट वीडियो में जो हमने सीखा था टैली से रिलेटेड, जो प्रैक्टिकल वर्क किया था, जैसे कि हम कंपनी किस तरीके से बनाते हैं, कंपनी बनाते टाइम हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है, कंपनी में चेंजेस हम किस तरीके से करते हैं, और जो फाइनेंशियल ईयर और जो बुक बिगिनिंग ईयर होता है कंपनी बनाते टाइम, वो क्या होता है, कंपनी को किस तरीके से क्विट किया जाता है यानी बंद किया जाता है, और टैली को किस तरीके से बंद किया जाता है और किस तरीके से ओपन किया जाता है, ये सारी चीजें हमने अपने लास्ट वीडियो में सीखा था। अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप यहाँ से हमारा प्रैक्टिकल काम स्टार्ट होता है। तो आज जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा सेकेंड क्लास प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, वो है मास्टर के अंदर अकाउंट्स इन्फो से रिलेटेड। जैसा कि आप लोग देख सकते होंगे कि जो ये राइट हैंड साइड में ऑप्शन आता है गेटवे ऑफ टैली का, इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि मास्टर दिया हुआ है। सबसे पहले इसके दो पार्ट है, ट्रांजैक्शन इसके तीन पार्ट देख रहे होंगे आप लोग, यूटिलिटी इसके दो पार्ट देख रहे होंगे आप लोग, ऑडिट इसका एक पार्ट देख रहे होंगे, इसी तरीके से रिपोर्ट इसके पार्ट आप लोग देख रहे होंगे। धीरे धीरे करके ये सारी चीजें हम सीखेंगे, प्रैक्टिकल वर्क सीखेंगे इसके अंदर कि हम किस तरीके से इसमें क्या काम करेंगे। तो ये सारी चीजें आने वाली वीडियो में आप लोग कवर करेंगे। तो चलिए, आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, आप लोगों को जो मैं सिखाने वाला हूँ, वो सिखाने वाला हूँ सबसे पहले मास्टर के अंदर अकाउंट्स इन्फो। अकाउंट्स इन्फो में दोस्तों हम जैसे ही जाते हैं, इसमें जाने के बाद आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे अकाउंट्स इन्फो से रिलेटेड ऑप्शन आ रहे हैं काफी सारे। तो हम ये सारे ऑप्शन सीखेंगे, एक एक करके सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आ रहा है ग्रुप, रेड आइकन, यानी ये इसकी शॉर्टकट की है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अगर हम ड्रैग करके नीचे ऊपर जाते हैं तो जो इसका वर्ड रेड कलर में होता है वो इसका शॉर्टकट कमांड होता है। जैसे कि अगर मुझे ग्रुप में जाना है तो मैं जी प्रेस करूंगा तो मैं ग्रुप में जा सकता हूँ। तो सबसे पहले आज हम सीखने वाले हैं ग्रुप्स, कि टैली के अंदर जो ग्रुप्स बनाए हुए हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अकाउंट्स के अंदर लेजर और बुक बनाया जाता है, जैसे कि डेटर के बुक अलग बनते हैं, परचेज के बुक अलग बनते हैं, कैश के बुक अलग बनते हैं, लोन के बुक अलग बनते हैं, एसेस्ट्रा इस तरीके के डिफरेंट टाइप ऑफ लेजर बुक बनाया जाता है। तो क्योंकि टैली एक सॉफ्टवेयर है, हम इसमें सिर्फ एंट्री पास करते हैं। एंट्री पास जब भी करते हैं जब हमें उसकी नॉलेज अच्छी तरीके से हो। अगर हमने एंट्री सही तरीके से पास किया है तो टैली अपने आप ही वो सारे लेजर बुक बना देता है। डेटर के बुक अलग बनाता है वो, कैश के बुक अलग बना रहा होता है, यानी जो हम मैनुअल वर्क किया करते थे वो सारा कंप्यूटराइज हो गया है। तो टैली सिर्फ ये कहता है, ये डिमांड करता है आपसे कि आप लोग एंट्री सही करें, मैं आप लोगों के लिए बुक सही बनाऊंगा। अगर आप लोगों ने एंट्री गलत किया तो बुक भी आप लोगों की गलत तैयार हो जाएगी। तो आप लोगों को इसकी खास तौर से ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें हम जब ही कर पाएंगे जब हमें अकाउंट्स इन्फो के ग्रुप, लेजर, वाउचर टाइप, ये चीजें हमें क्लियर हो। सिनेरियो आप लोग देख सकते होंगे यहाँ पे, और आप लोग स्टैचुरी इन्फो देख सकते होंगे। तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे। अगेन, अगर आप लोग नया टैली ओपन करके देखेंगे तो आप लोगों को एक ये ऑप्शन और एक ये ऑप्शन मेंशन नहीं हो रहा होगा, ये ऑप्शन बाद में मेंशन होता है। तो मैं आप लोगों को धीरे धीरे करके सारी चीजें सिखाऊंगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो आज हम सीखने वाले थे वो ग्रुप्स। ग्रुप्स में आप लोग देख सकते होंगे दो ऑप्शन आ रहा है, सिंगल ग्रुप, मल्टी ग्रुप। अब देखिए ग्रुप क्या होता है दोस्तों, ग्रुप का मतलब है, एक एग्जांपल लेके मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, कि जैसे मान लीजिए आप लोगों ने 10 पर्सन को अपना गुड सेल किया है, यानी 10 ऐसे बंदे हैं जिनको आपने माल सेल किया है। जब आप उसको माल सेल करते हैं तो वो सारे के सारे जो बंदे हैं, जो 10 बंदे हैं, वो आपके लिए क्या कहलाएंगे, डेटर कहलाएंगे। डेटर मतलब देनदार, यानी मैंने उनको माल सेल किया तो मैं उनसे पैसा लूंगा, अब वो मेरे लिए डेटर बन गए हैं। तो टैली भी यही कहता है कि जब आप डेटर क्रिएट करते हो, यानी किसी बंदे का नाम लिखते हो, तो उसका ग्रुप आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए मैंने राम को 10,000 रुपए का माल सेल किया, तो मैं एंट्री क्या मारता, राम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अब राम को मुझे सबसे पहले क्रिएट करना होता है टैली के अंदर। जैसे ही मैं क्रिएट करता,
वो मुझसे कहता कि इसका ग्रुप बताओ। ग्रुप का मतलब ये आपका इन्वेस्टमेंट है, डेटर है, क्रेडिटर है, कैश इन हैंड है, स्टॉक इन हैंड है, एसेस्टा एसेस्टा, जो उसके अंदर करीबन 27 के आसपास ग्रुप है टैली में ऑलरेडी बना रखा उन लोगों ने। तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझनी बहुत जरूरी होगी। तो चलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को डिस्प्ले में जाकर दिखाता हूँ, यहाँ पे हम ग्रुप खुद भी बना सकते हैं। अभी फिलहाल मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ग्रुप होता क्या है और इसके अंदर कौन कौन से ग्रुप पहले से बने होते हैं। बाद में मैं आपको बताऊंगा कि हम इसके अंदर ग्रुप भी खुद तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ पे आप लोग ये ग्रुप देख सकते होंगे, लिस्ट ऑफ ग्रुप आ रहा है आप लोगों के सामने, आप लोग ये देख सकते होंगे। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को एक एक करके समझाने वाला हूँ। ये सारी चीजें आप लोग समझ जाएंगे तो आप लोगों के लिए इजी होगा टैली में एंट्री पास करना, टैली को समझना और अपने एंट्री को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने आप लोगों के लिए एक स्लाइड तैयार किया हुआ है, स्लाइड के थ्रू मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोग देख सकते होंगे ऊपर यहाँ पे आ रहा है ग्रुप अंडर टैली ERP 9। सबसे पहले जो ग्रुप होता है उस ग्रुप के बारे में बताता हूँ, बैंक ओडी अकाउंट यानी ओवरड्राफ्ट अकाउंट। अब ये होता क्या है, आप लोग जानते होंगे कि हमारा सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है। तो ये जो बैंक ओडी होते हैं ये हमारे करंट अकाउंट से रिलेटेड होते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट का मतलब क्या है ये चीज मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो ज्यादा नहीं, दो तीन चीजें हैं जो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली यहाँ पे नोट डाउन करके लिखा हुआ है, ये चीज हम देख लेते हैं ताकि हमें अच्छी तरीके से पता चल जाए और आप लोगों के लिए भी मन में कोई डाउट ना हो। तो आप लोग यहाँ देख सकते होंगे यहाँ बैंक ओडी अकाउंट मैंने लिखा हुआ है। अब ओडी अकाउंट है क्या, ये देखिए ओवरड्राफ्ट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आप अकाउंट में पड़ी हुई राशि से भी ज्यादा राशि निकाल सकते हैं। ये एक तरह का लोन अकाउंट ही है, आपको केवल लोन पर ली गई राशि पर ही ब्याज देना होगा। यह भी एक करंट अकाउंट ही होता है, इसलिए इसमें आप रोज कितने भी लेन देन कर सकते हैं। आपको हर दिन खत्म होने पे जो बकाया राशि यानी बकाया देय राशि है उसी पर आपको ब्याज देना होगा। सिंपली भाषा में आपको समझाता हूँ। देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक के थ्रू बनाया जाता है, ये तब बनवाया जाता है, मान लीजिए आपने करंट अकाउंट ओपन करवाया हुआ है और अब आप बैंक से उसमें लिमिट बढ़वाना चाहते हैं कि मैं महीने का कह लीजिए या साल का कि मैं 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, जिस हिसाब से आपकी गुडविल अच्छी है उस हिसाब से बैंक आपको वो एज ए लोन ही कहलाता है, ये लोन पास कर देता है कि आप अपने अकाउंट में जितना राशि होगा, जैसे मान लीजिए 1 लाख है तो हम आपको 2 लाख रुपए तक की लिमिट देते हैं कि 1 लाख तो आप अपना निकाल ही पाएंगे, एक्स्ट्रा हम आपको 1 लाख रुपए की लिमिट देते हैं कि वो 1 लाख भी आप निकाल सकते हैं। तो वो हमारा बैंक ओडी अकाउंट के अंदर जाता है। अब बैंक इस ये दूसरी फैसिलिटी भी देती है हमको कि 1 लाख का हमने आप लोगों को तो लिमिट दिया है, लेकिन हम सिर्फ आपसे इंटरेस्ट उतना ही लेंगे जितना आप उस पैसों का यूज करेंगे। यानी 1 लाख का लिमिट दिया है और मान लीजिए आपने पूरे महीने में 30,000 रुपए या 40,000 रुपए आपने निकाला, विड्रॉ किया, तो सिर्फ बैंक उस 40,000 रुपए ही इंटरेस्ट चार्ज करेगी, ना कि पूरे 1 लाख रुपए पे। एक और चीज इसी के साथ बैंक OCC अकाउंट भी आपको समझा देता हूँ। OCC अकाउंट का मतलब होता है ओवर कैश क्रेडिट, जो हमारे क्रेडिट कार्ड होते हैं आप वो भी कह लीजिए। तो OCC क्या होता है, OCC अकाउंट भी सेम हमारा ओडी अकाउंट की तरह ही होता है, लेकिन ओडी अकाउंट हमारा जब ओपन होता है, जब हम बदले में कुछ सिक्योरिटी बैंक को देते हैं, तब वो हमारा बैंक ओडी ओपन करता है। लेकिन OCC अकाउंट हमारा जब ओपन होता है, जब हमारी स्टॉक और डेटर इन दोनों की जो वैल्यू होती है वो अच्छी हो, तो बैंक हमेशा देखती है कि कंपनी की जो मतलब जो स्टॉक है और जो उसके डेटर है वो कितने हैं, उन वैल्यू के बेस पर 70% बैंक उनको OCC अकाउंट पास कर देती है। आप लोग यहाँ देख भी सकते होंगे, मैं पढ़ देता हूँ डेफिनेशन। ओपन कैश क्रेडिट अकाउंट इज ए काइंड ऑफ बैंक अकाउंट विच बेसिकली सर्व टू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जिसे हम SME के नाम से जानते हैं। एंड OCC अकाउंट होल्डर कैन हैव कैश क्रेडिट फैसिलिटी अगेंस्ट हिज स्टॉक एंड रिसीवेबल, यानी जो उसका स्टॉक और डेटर होता है उनके अगेंस्ट वो बैंक से OCC अकाउंट ओपन करवा सकती हैं। बैंक ये देखती है कि आपके डेटर कितने हैं और आपका स्टॉक कितना बचा हुआ है, उसके हिसाब से उसका 70%, और डिपेंड करता है हर बैंक की अपनी अपनी पॉलिसी होती है। तो फिलहाल
80% केस में तो यही होता है कि वो 70% ही पास करती है लिमिट, यानी अब आप उस 70% तक अकाउंट से अपने बैंक से पैसे निकाल सकते हैं अगर आप लोगों ने वो ओसीसी अकाउंट ओपन किया हुआ है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया हो कि जो हमारा बैंक वो ओवर ड्राफ्ट अकाउंट होता है और जो ओवर कैश क्रेडिट अकाउंट होता है वो होता क्या है। आगे बढ़ते हैं हम। बैंक अकाउंट सिंपल आपको पता है कि जो हमारे सेविंग अकाउंट होते हैं या करंट अकाउंट होते हैं वो हमारे बैंक अकाउंट के अंदर जाते हैं। इसी तरीके से ब्रांच डिवीजन, ब्रांच डिवीजन आपको पता है कि मेरा मान लीजिए हरियाणा में मेन ब्रांच है, लेकिन उसके छोटे छोटे ब्रांच मैंने अलग अलग स्टेट में ओपन किया हुआ है। तो टैली के अंदर उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है कि अगर आप लोग इस तरीके का बिजनेस करते हैं कि आप लोगों का ब्रांच अलग अलग है, तो उस केस में एक ग्रुप बनाया गया ब्रांच डिवीजन, ताकि हम उसको डिफाइन कर सके। प्रैक्टिकली जब हम इसको करेंगे तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगला चलता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट आप लोगों को पता ही है कि कैपिटल अकाउंट होता क्या है। मान लीजिए जब मालिक कंपनी में पैसा लगाता है, तो टैली ने एक ग्रुप बनाया कैपिटल अकाउंट। और आप लोग भी ये जानते हैं कि जब भी एक ऑनर कंपनी में पैसा लगाता है या कुछ असेट लगाता है वो हमारा कैपिटल अकाउंट के अंदर जाता है। तो टैली ने भी इसको ग्रुप बना रखा है। कैश इन हैंड आप लोग सभी जानते हैं कि कंपनी हो, फैक्ट्री हो, ऑफिस हो, वो अपने पास कुछ ना कुछ कैश रखता है छोटे मोटे खर्चे के लिए। तो वो सारे के सारे जो होते हैं एक ग्रुप बना दिया जाता है, कैश इन हैंड उसके अंदर डाल दिया जाता है। करंट एसेट आप सभी को पता है करंट एसेट होता क्या है। देखिए करंट एसेट हमारे वो एसेट होते हैं जिनको यूजुअली हम विद इन 1 ईयर तक ही यूज कर पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा मोबाइल हो गया, वैसे तो ये करंट एसेट होना चाहिए लेकिन कई लोग इसको फिक्स एसेट के अंदर भी ले जाते हैं। अब मतलब सिंपल अगर मैं आप लोगों को समझाना चाहूँ तो करंट एसेट वो एसेट होते हैं जिनकी लाइफ 1 साल तक होती है, वो हमारे करंट एसेट के अंदर चले जाते हैं। टैली में भी इसका ग्रुप बना हुआ है। करंट लाइबिलिटी भी सेम उसी तरीके से होता है। एक तरीके का दायित्व होता है, हमारे ऊपर कर्जा होता है कि जिसको हमें 1 साल के अंदर पे करना होता है, वो सारे के सारे हमारे करंट लाइबिलिटी के अंदर जाते हैं। करंट एसेट में आप एग्जाम्पल हमेशा देखते होंगे, कैश को लिया जाता है, डेटर को लिया जाता है, स्टॉक को लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? क्योंकि ये हम हमारे पास 1 साल से ज्यादा रुकते नहीं है। करंट लाइबिलिटी सेम इसी तरीके से इसमें क्रेडिटर लिए जाते हैं, शॉर्ट टर्म जो लोन होते हैं वो लिए जाते हैं। आगे आप लोग देख सकते होंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। अब डायरेक्ट एक्सपेंस दोस्तों आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। हमेशा जो स्टूडेंट होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस में कंफ्यूज होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में कंफ्यूज होता है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस आप लोगों को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे परचेस से लेकर मैन्युफैक्चर तक खर्चे होते हैं, यानी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए उस पर जितना खर्चा किया गया है वो सारे के सारे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक फैक्ट्री है, वहाँ पे कुछ एक मोबाइल का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक फैक्ट्री है, वहाँ मोबाइल बनाया जा रहा है। अब मोबाइल बनाने के लिए वहाँ पे बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा होगा, लेबर का इस्तेमाल किया जा रहा होगा, जिसे हम वेजेस के नाम से जानते हैं। वो सारे के सारे खर्चे हमारे किस में जाएंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस में। तो उसका ग्रुप भी हम लोगों ने टैली में देखा होगा, टैली में बना बना हुआ है। डायरेक्ट इनकम सेम वो इनकम जो हमारे बिजनेस पे इफेक्ट डालता है, जैसे कि हमारी जो सैलरी होती है वो डायरेक्ट इनकम होती है, हमारी प्रोफेशनल फीस वो डायरेक्ट इनकम होती है, जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं और जो पैसा लेते हैं वो हमारे डायरेक्ट इनकम कहलाते हैं। इसी तरीके से आप लोग ड्यूटी एंड टैक्स के बारे में भी जानते होंगे कि टैली में इसका एक ग्रुप बना होता है, यानी जब हम कुछ ऐसा लेजर क्रिएट कर रहे होते हैं जो हमारे ड्यूटी एंड टैक्स से रिलेटेड होते हैं, गवर्नमेंट को पे करना होता है, वो सारे के सारे हमारे ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर जाता है। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को टैली में एंट्री करके दिखाऊंगा, और ग्रुप मैं आप लोगों को सिर्फ इसलिए समझा रहा हूँ ताकि जब मैं एंट्री आप लोगों को सिखाऊं तो आप लोगों के मन में किसी प्रकार का डाउट ना हो कि इसका ग्रुप क्या होगा। तो वीडियो आप भले बार बार देखें, एक बार नहीं 10 बार देखे, लेकिन देखे जरूर, तभी आप लोगों के डाउट क्लियर होंगे और आप लोग एंट्री इजीली पास कर पाओगे। आगे चलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में आप लोगों को बताया कि वो एक्सपेंस जो डायरेक्ट हमारे किसी प्रोडक्ट को अफेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए टेलीफोन बिल है या फिर मान लीजिए बिजली है। अब बिजली अगर कंपनी के अंदर फैक्ट्री के अंदर ना हो तो वो प्रोडक्ट तैयार नहीं हो पाएगा, तो वो खर्चा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ क्योंकि उसने मेरे प्रोडक्ट पे अफेक्ट डाल दिया।
सेम इसी तरीके से इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस जो मेरे प्रोडक्ट पे अफेक्ट नहीं डालते लेकिन मेरे ऑफिस पे अफेक्ट डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए ऑफिस स्टेशनरी जितने भी खर्चे होते हैं या फिर जो हमारा स्टाफ होता है उनके लिए जो हम छोटे मोटे खर्चा करते हैं चाय के लिए पेंसिल के लिए पेन के लिए पेपर्स के लिए वो सारे के सारे खर्चे क्या होते हैं हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट इनकम सेम वो इनकम जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता लेकिन फिर भी हमें इनकम होती है वो इनडायरेक्ट इनकम कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पुराने न्यूज़पेपर पड़े हुए हैं या जो हमारी असेट होती हैं या आपके पार्क में घास लगे हुए हैं उनको काट के आप लोग उसको सेल करते हैं उसको आप लोग अगर सेल करें उससे जो इनकम अर्निंग करेंगे आप वो सारे के सारे आप क्या कहेंगे आपके इनडायरेक्ट इनकम। मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए जो हमारे ओल्ड न्यूज़पेपर होते हैं अगर उसको हम सेल करते हैं और उससे जो हमें पैसा मिलता है क्योंकि वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। हाँ अगर मेरा बिजनेस ही वो होता कि मेरा जो न्यूज़पेपर बेचने का काम है तो वो मेरा डायरेक्ट इनकम कहलाता लेकिन इस केस में मेरा काम न्यूज़पेपर बेचना नहीं है। यानी मैं आप लोगों को सिर्फ समझाना चाहता हूँ कि वो इनकम जो मेरे बिजनेस से ना अर्न होकर कहीं और से अर्न हुआ है वो हमारे इनडायरेक्ट इनकम कहलाते हैं। इन्वेस्टमेंट सेम आपको पता है कि जब हम कि मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं पैसा चाहे वो गोल्ड में करें स्टॉक में करें शेयर में करें बिल्डिंग में करें आजकल डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट निकले हुए हैं तो वो सारे के सारे हमारे इन्वेस्टमेंट में जाते हैं। तो टैली में भी इसका ग्रुप बना हुआ है। अगला आप लोग देख सकते हैं लोन एंड एडवांस ब्रैकेट में लिखा हुआ है एसेट यानी ये वो लोन एडवांस है जब हम किसी को देते हैं। अगर मैंने किसी को लोन दिया हुआ है तो वो सारे के सारे हमारे लोन एडवांस में जाएंगे एसेट के अंदर। लोन लायबिलिटी अब ब्रैकेट में लायबिलिटी लिखा हुआ है इसका मतलब मैं किसी से अगर लोन लेता हूँ अगर मैं किसी बैंक से लोन लेता हूँ किसी कंपनी से लोन लेता हूँ तो उसका जो ग्रुप होता है वो लोन लायबिलिटी का होता है जो कि टैली में पहले से बना होता है। मिसलिनियस एक्सपेंस हालांकि टैली में मिसलिनियस एक्सपेंस ब्रैकेट में एसेट लिखा हुआ है यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस होना चाहिए था क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस आप सभी जानते हैं प्रीपेड एक्सपेंस वो एक्सपेंस होता है जो हमने एडवांस में पे कर दिया होता है लेकिन उसका जो काम वो फ्यूचर में होना होता है वो हमारे प्रीपेड एक्सपेंस कहलाते हैं इसलिए वो मेरा एसेट का पार्ट बनता है। या मिसलेनियस एक्सपेंस का मतलब है वो खर्चे जो अचानक से हो जाते हैं जैसे मान लीजिए एक कंपनी से मैं दूसरे कंपनी में जा रहा हूँ यानी मान लीजिए कि दिल्ली से मैं हरियाणा में जा रहा हूँ और दिल्ली से हरियाणा जाने में जो जो मेरे खर्चे होंगे वो खर्चे मुझे पता है लेकिन अचानक बीच में कुछ खर्चा हो जाता है जैसे मान लीजिए कोई पार्टी मिल जाता है वो कहता है कि एक काम करते हैं हम होटल में रुक जाते हैं और यहीं पे मीटिंग कर लेते हैं तो उस दौरान वो खर्चा मुझे नहीं पता था कि वो खर्चा होना है फिर भी मैंने वो खर्चा किया वो खर्चा मेरा मिसलेनियस एक्सपेंस के अंदर चला जाता है। प्रोविजन आप सभी जानते होंगे फ्यूचर में लॉस से बचने के लिए कंपनी क्या करती है कुछ पैसे इकट्ठे कर रही होती है या फिर कुछ ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रही होती है ताकि उस लॉस से हम बच सके तो वो हमारा प्रोविजन कहलाता है। टैली में इसका पहले से ही वो ग्रुप बना के रखा हुआ है। परचेस अकाउंट जब हम किसी पर्सन से मतलब जो भी देयर आर सेवन टाइप ऑफ पर्सन आप सभी जानते होंगे तो जब भी हम उन पर्सन से कुछ माल खरीदते हैं तो उसका भी ग्रुप बना रखा है टैली ने तो हमें उसे परचेस अकाउंट में दिखाना होता है। सेम रिजर्व एंड सरप्लस जब एक ऑनर कंपनी में पैसा लगाता है तो वो कैपिटल अकाउंट में जाता है। रिजर्व एंड सरप्लस भी हमारा कैपिटल का पार्ट होता है लेकिन ये उस टाइम पे जो होता है मान लीजिए कि आपने आईटीआर तैयार कर दिया बैलेंस शीट तैयार हो गया आपका उसके बाद बीच बीच में जो ऑनर होता है वो कंपनी में पैसा लगाता रहता है। जैसे मान लीजिए कंपनी का कुछ टैक्स बन रहा था कंपनी में पैसा नहीं था लेकिन फिर भी मालिक ने अपने पर्सनल जेब से वो पैसे देकर ड्यूटी एंड टैक्स के भुगतान कर दिया तो वो जो पैसा हुआ वो रिजर्व एंड सरप्लस के ग्रुप में चला जाता है हालांकि ये होता कैपिटल अकाउंट ही है। आगे चलते हैं सेल अकाउंट यानी जब हम किसी को सेल करते हैं तो उसके लिए भी टैली में ग्रुप बना रखा है सेल अकाउंट। सिक्योर लोन जब हम किसी बैंक या कंपनी से किसी प्रॉपर्टी या किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट लोन लेते हैं वो हमारा सिक्योर लोन कहलाता है तो टैली में इसका ग्रुप बनाया गया है इस ग्रुप को भी आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। स्टॉक इन हैंड हमारे पास कितना स्टॉक बच जाता है क्लोजिंग स्टॉक वो सारा का सारा स्टॉक इन हैंड के अंदर जाता है लेकिन इसका एक और यूज भी है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा जब मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली सिखा रहा हूँगा।
सन्ड्री क्रेडिटर्स, जब हम किसी से माल खरीदते हैं तो जिस पर्सन का नाम हम टैली में तैयार कर रहे होते हैं, तो टैली ने उसका एक ग्रुप बनाया हुआ है, हमें उसी ग्रुप में डालना होता है। यानी जब परचेज के टाइम पे जो हमारे बंदे खड़े होते हैं, जो हमारे क्रेडिटर खड़े होते हैं, उसके अंदर हमारे जितने भी परचेज से रिलेटेड जितने पर्सन होते हैं, वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। आगे आप लोग देख सकते होंगे सन्ड्री डेटर, सेम मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। सन्ड्री डेटर का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी को माल सेल करते हैं तो उसका नाम हमें तैयार करना होता है, तो वो नाम तैयार करते टाइम टैली हमसे पूछता है कि उसका ग्रुप क्या है, तो आप लोगों को मेंशन करना होता है कि वो डेटर है। सस्पेंस अकाउंट भी आप लोग जानते होंगे कि कुछ ऐसे खर्चे होते हैं, कुछ ऐसे इनकम होती है, कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन एंट्रियाँ होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती ये एंट्री कहाँ है। तो फिलहाल बैलेंस शीट और पीएनएल मैच करने के लिए उसको हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं, ताकि ये सस्पेंस अकाउंट हम बाद में ठीक कर सके, जब हमें उसकी नॉलेज हो जाए कि वो एक्चुअल खर्चा किस चीज का था या इनकम किस चीज का था। तो दोस्तों, इसके बाद जो सिक्योर लोन आप लोगों को पता ही था कि अगेंस्ट सिक्योरिटी अगर हम कोई लोन लेते हैं वो हमारे सिक्योर लोन में जाता है, लेकिन अनसिक्योर अगेंस्ट सिक्योरिटी नहीं होता। ये ज्यादातर हम अपने रिलेटिव से लोन लेते हैं या फिर ऐसी जगह से लोन लेते हैं जो बदले में हम सिक्योरिटी नहीं लेते। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को इस ग्रुप के बारे में पूरा क्लियर हो गया हो कि ग्रुप है क्या, क्योंकि आगे जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ लेजर। और लेजर में आप लोगों को मैं पहले बता देता हूँ कि इसके अंदर दो लेजर पहले से ही क्रिएट होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश, सिर्फ यही दो ऐसे लेजर होते हैं जो पहले से बने होते हैं। इसके अलावा जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो नाम होता है वो नाम हमें क्रिएट करना होता है इस लेजर के थ्रू। अब इस लेजर के थ्रू जब हम तैयार करते हैं तब हमारा वो ग्रुप काम आता है जो मैंने आज आप लोगों को बताया है। तो ये ग्रुप आप लोगों को अच्छी तरीके से स्टडी करना है, इसको समझना है। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, वहां पर मैं आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू सो मच।